वेलकम टू सर्विस किचन। आज मैं पटल से मिठाई बनाऊंगी, पटल का मिठाई बनाऊंगी। तो मैं ली हूँ परवल, पटल ऐसे मैं ली थी, इसको पूरा छील ली हूँ। इसका पूरा छिलका निकाल देना है, छिलर से आप इसका छिलका ऐसे करके पूरा निकाल, इसका ऐसे करके पूरा निकाल देना है, पूरा एकदम ऐसे करके पूरा प्लेन कर देना है। तो मैं पूरा ये छिलका निकाल दी हूँ, थोड़ा भी छिलका नहीं है इसमें, पूरा एकदम वाइट है। मैं सारा पटल छील ली हूँ, अब इसके बीच से इसको हाफ करना है, एकदम बराबर का हाफ करना है। इसे करके इसके बीच का जो बीजा है ये धीरे धीरे निकाल देना है, एकदम आस्ते आस्ते करके इसको निकाल के पूरा साफ करना है। एक चम्मच के पीछे साइड से इसको ऐसे करके निकाल दीजिए, ऐसे करके पूरा निकाल देना, इसका कोई बीजा नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लीन कर लेना है इसको एकदम ऐसे। ये देखिए पूरा इससे क्लीन एकदम करना है। ये देखिए मैं सारा पटल का निकाल ली हूँ, देखिए साफ कर ली हूँ, एकदम कटोरा जैसा हो गया है। मैं पटल मिठाई के लिए चीनी ली हूँ, आधा कटोरा चीनी ली हूँ, आधा कटोरा कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट फ्लेक्स ली हूँ, एक कटोरा मैं पाउडर मिल्क ली हूँ, गार्निश के लिए मैं ली हूँ चेरी, एक कटोरा दूध ली हूँ और एक चम्मच गुलाब जल ली हूँ, थोड़ा सा मलाई ली हूँ, बेकिंग सोडा ली हूँ, पानी ली हूँ, इसको पहले उबाल ले रही हूँ। पानी उबल गया है, पटल को छीलने से पहले अच्छी तरह धो लेना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए जब आप बीजा निकालेंगे, पानी रहने से ये पूरा खराब हो जाएगा। तो मैं पहले धो के फिर इसको छील के इसका बीजा निकाली हूँ। अब ये पानी मेरा गर्म हो गया, इसमें मैं ये पटल सबको छोड़ दूँगी, छोड़ के इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा दूंगी, दे के इसको 2 मिनट पका लूंगी। यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो इसमें ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, तो इस समय आप इसमें 2-4 ड्रॉप कलर या 1/2 चम्मच कलर इसमें इस समय दे सकते हैं। मैं कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट इसको उबाल ले रही हूँ, 2 मिनट के लिए पका ले रही हूँ। हो गया, मैं पका ली हूँ। अब मैं गैस फ्लेम को ऑफ करके इसको उठा ले रही हूँ, उठा के अच्छी तरह इसका पानी निकाल दे रही हूँ। देखिए मैं निकाल ली हूँ, ये हार्ड हो जाएगा जब मैं ये इसको चीनी में दूंगी, ये ऐसे ही नरम होगा जब उबाल के निकालेंगे तो ऐसा नरम हो जाएगा, मुरझा जाएगा, जब इसमें चीनी जब जाएगा तो ये पूरा हार्ड हो जाएगा। पटल का एक कच्चा जो वेजिटेबल का स्मेल रहता है पटल का, वो निकल जाता है सोडा के कारण। बैठा दी हूँ, अब चाशनी बना ले रही हूँ। तो मैं आधा कटोरा चीनी ली थी, उस हिसाब से मैं 4 चम्मच पानी दे रही हूँ। गाढ़ा चाशनी बनेगा, एकदम गाढ़ा बनेगा, एकदम चाशनी बहुत टाइट चाशनी मैं बनाऊँगी, इसीलिए एकदम पानी कम दी हूँ। देखिए एकदम गाढ़ा चाशनी है। अब मैं ये पटल सबको इसमें छोड़ दूंगी, एकदम लो फ्लेम कर दी हूँ। देखिए अब ये पटल सबको अच्छी तरह इसमें चाशनी में पूरा उबाल लूंगी, एकदम चाशनी ये पटल में पूरा एकदम मीठा हो जाए पटल सब। कितना पकाऊंगी इसको, 1 चम्मच रोज़ वाटर जो ली थी इसमें अभी फ़िलहाल मैं 1/2 चम्मच रोज़ वाटर इसमें दे दे रही हूँ, 1/2 चम्मच भी हूँ। देखिए अब गैस फ्लेम मैं ऑफ कर दे रही हूँ, करके अब मैं एक एक करके ये उठा लूँगी, ये जैसे ठंडा होगा ये हार्ड हो जाएगा। तो निकाल ली हूँ, अब मैं इसको ठंडा कर ले रही हूँ। अब मैं पटल का स्टफ बना ले रही हूँ। तो पहले मैं ये दूध दे रही हूँ, दूध को उबाल ले रही हूँ, हमें ये मलाई दे दे रही हूँ, मलाई को अच्छी तरह दूध में मिक्स कर ले रही हूँ। ये दूध उबाल आ गया, मैं ये कोकोनट दे दे रही हूँ, फ्लेम को लो कर दे रही हूँ।
कोकोनट को मैं उबाल ले रही हूँ अच्छी तरह, इसमें अच्छी तरह पका ले रही हूँ दूध में कोकोनट को। ये देखिए मैं कोकोनट उबल गया, अच्छी तरह पक गया है। अब इस समय मैं ये पाउडर मिल्क दे दूँगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। एकदम मेरा फ्लेम लो है, एकदम टाइट डो की तरह बनाऊंगी। आटा का डो जैसे लगाते हैं वैसे ही इसको टाइट, एकदम जैसे खोआ होता है वैसे ही मैं इसको टेक्सचर में लाऊंगी, खोआ के टेक्सचर में इसको अच्छी तरह पका लूंगी। इससे मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच मैं चीनी दे रही हूँ। आप चीनी स्किप भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा के लिए मैं चीनी दी हूँ। मीठा जो कम खाते वो चीनी स्किप कर सकते हैं, पाउडर मिल्क ऑलरेडी मीठा रहता है। मैं 2 चम्मच दी हूँ थोड़ा ज़्यादा मीठा के लिए। एक टाइट डो हो गया, अब मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें जो गुलाब जल ली थी 1/2 चम्मच उसमें दी थी पटल में, और 1/2 चम्मच इसमें दे दे रही हूँ। देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले रही हूँ, मैं मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसको ठंडा होने दे रही हूँ। ये स्टफ भी ठंडा हो गया है मेरा, और ये पटल भी देखिए पूरा ठंडा हो गया। अब मैं एक एक पटल ऐसे करके लूँगी, लेके इसमें से एक एक लोइया की तरह ऐसे करके लूँगी और लंबा कर लूँगी, ऐसे करके इसमें बैठा दूँगी। मैं कर ली हूँ, रेडी हो गया मेरा, देखिए पटल मिठाई। अब मैं ये चेरी से इसको गार्निश कर दे रही हूँ। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, मैं चेरी दे रही हूँ। अगर आपके पास चेरी अवेलेबल नहीं है आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मेरा पटल मिठाई तैयार हो गया, मैं इसको 1 घंटा के लिए फ्रीज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। मिठाई हमेशा ठंडा अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा पटल मिठाई तैयार हो गया, घर के सामान से आप बना सकते हैं। पटल तो अभी सीजन है, परवल लाता ही है मार्केट में, आप ला के घर में ही अपना मिठाई ऐसे करके बनाइए नया तरीके का। थैंक यू, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।